हेलो ऑल आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल मास कॉमिन और आज की हम वीडियो में हम ये देखेंगे कि मास मीडिया के सोशल फंक्शन कौन कौन है मास मीडिया के अदर फंक्शन में हम कॉर्ग्नेटिव जानते हैं फिर दूसरी हम अफेक्टिव जानते हैं और भी इसी तरीके से जो मोटलिटी होती है कि हाँ अगर हम नहीं खेल रहे हैं मगर हमें उतनी ही खुशी मिलती है हमारे अपने फेवरेट प्लेयर्स को खेलते देख करके तो ये सारे फंक्शंस मास मीडिया पूरा करता है और आफ्टर ऑल हम क्या हैं एक सोशल बींग हैं तो ये होते हुए तो हमें सोशल फंक्शन मास मीडिया के भी स्टडी करने चाहिए तो रॉबर्ट मर्टन और पॉल लॉजस पॉल लॉजस फील्ड को हमने उनमें देखा है यूजेज एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी आपको याद होगी कि हम मास मीडिया को एक्टिवली कैसे यूज़ करते हैं अपने नीड्स को ग्रेटिफाई करने के लिए तो इसी चैनल पर आपको यूज एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी भी मिल जाएगी आपको अगर डिटेल में जानना हो तो आप इस चैनल पर उसे सर्च कर सकते हैं और फिर रॉबर्ट मर्टन को आप जानते हैं कि मिडिल रेंज थ्योरीज में इनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है तो उनको हम आगे देखेंगे मगर इस वीडियो में हम इस पर फोकस रखेंगे कि मास मीडिया के जो सोशल फंक्शन है वो इनके अकॉर्डिंग क्या हैं इन्होंने किस लेबल में क्लासिफाई किया है रॉबर्ट मर्टन एंड पॉल लाजस ने तो सोशल फंक्शन ऑफ मास मीडिया जो मर्टन एंड पॉल पॉलॉज साहब ने बताए हैं वो तीन ये हैं एक तो हमारा हो जाता है स्टेटस कन्फेरल दूसरा एनफोर्समेंट ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड द थर्ड वन इज नार्कोटाइजिंग डिसफंक्शन स्टेटस कन्फरल स्टेटस कन्फरल अब जैसा आपको इस नाम में ही दिख रहा होगा तो स्टेटस जब किसी चीज को एक खास लेवल पर का दर्जा दे दिया जाता है तो उसे हम स्टेटस कहते हैं अब जैसे देखें आप कि मास मीडिया में क्या होता है कि एक कहावत चलती है पब्लिसिटी को लेकर के कि एनी पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी उसमें हम कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहे गुड या बैड पब्लिसिटी इज़ गुड उसी तरीके से अगर आप मास मीडिया में एक बार कवर हो गए तो आज के इन्फ्लुएंसर्स के ज़माने में जो इकोनॉमी ड्राइव हो रही है हमारी इन्फ्लुएंसर से बहुत ज़्यादा तो यहाँ आप देखेंगे कि कई लोग हैं ना जैसे आप और एग्जांपल ले लें तो किसी को नहीं पता कि उसका मेन क्या है वो एक सेंटेंस प्रॉपर नहीं बोल पा रहा मगर आप उनके देखें कि वो मीडिया में इतना ज़्यादा कवर हो चुका है और पॉपुलर लोगों के साथ उसकी पिक्स का आना उसके थोड़े थोड़े रील्स का वायरल हो जाना उसको एक खास स्टेटस आज मीडिया में मिल चुकी है और उसकी देख लीजिए उसकी आप देख लीजिए कि कितनी ज़्यादा फॉलोइंग हो चली है आज के डेट में निगेटिव ही सही ठीक है मगर वो उसके पास डॉलर्स तो आ रहे हैं ना रुपीज़ तो आ रही है ठीक है तो एक स्टेटस उसको मिल गया तो वही चीज़ है कि अगर आपकी मीडिया में कवरेज हो जा रही है ना तो आप ऑल ओवर पहचाने जा रहे हो और पहचाने जाने के बाद उस चीज़ को आप कैश करा सकते हो डिफ़रेंट तरीके से डिफरेंट डोमेन्स में और जैसे भी आप उसको यूज़ करना चाहो तो आप उसको यूज़ कर पा रहे हो वो काफ़ी सिग्निफिकेंस आपको दिला देता है आपको एक इम्पॉटेंट पोजिशन दिलवा देता है फिर कन्फरेल वही चीज़ होगी कि एक्ट ऑफ कन्फरिंग और बेस्टिंग ऑन अवार्ड कुछ देना तो मीडिया आपके स्टेटस कन्फरेल में बहुत बड़ा रोल निभाता है फिर है एनफोर्समेंट ऑफ नॉम्स तो नॉर्म्स हम जानते हैं नॉर्म्स बिलीव्स ऐसे कि जो डोमिनेंट सोशाइटल नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस होते हैं उनकी री इन्फोर्सिंग में मीडिया बहुत मदद करता है इससे हमने जोसफ क्लेबर की जो री इन्फोर्समेंट थ्योरी है उसमें भी देखा है तो री इन्फोर्समेंट थ्योरी भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी अगर आप उसको अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप उसको सर्च कर सकते हैं फिर भी अगर मैं ब्रीफ में बताऊँ तो वो थ्योरी यही कहती है कि जो मीडिया है ना मास मीडिया हमारा वो किसी नए आइडिया को आप तक यानी जो हम सोशल बींग हैं ह्यूमन बींग उसमें इन्जेक्ट करवाने में उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल नहीं प्ले कर पाता जितना कि वो जो एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिस होती हैं नॉर्म्स होते हैं बिलीव्स होते हैं सोसाइटी में जो फेथ चला आ रहा होता है उनको री करवाने में उसका बड़ा क्रिटिकल रोल होता है जैसे आप देखो कि आप नमस्ते करते हो आप रिश्तेदारों के पास जाते हो ठीक है तो आपको शोज़ में मूवीज़ में भी वो दिखाई जा रही है कि जैसे ही कोई छोटा बच्चा है वो घर के अंदर एंटर हो रहा है उसके रिश्तेदार उसको वहाँ देखे तो वो नमस्ते कर रहा है झुक करके ठीक है तो ये चीज़ें देखें जो आपकी सोसाइटी में चलती आ रही थी और जो वहाँ दिखाया गया उसको इन्फोर्स करा गया ऐसा तो नहीं किया गया जैसे आप देख लो कोई सोशल गैदरिंग होती है ठीक है वेडिंग फंक्शन ठीक है वहाँ आप गए और वहाँ पर सारे मतलब अच्छे अच्छे कपड़ों में आए हुए हैं बिल्कुल और वहाँ अगर आप ब्लैक में चले जाओगे या फिर वो एकदम प्लेन वाइट फिनरल वाली में तो वो एक्सेप्टेड नहीं होता ना उस चीज़ को ऐसा नहीं है कि वो गलत है मगर ऐसा है कि वो एक माइनॉरिटी विचार है वहाँ पर एक काफ़ी है आल्टरनेटिव फॉर्म है उसको उतना री नहीं किया जाएगा तो मीडिया जो है इन प्रैक्टिसेस को जो कि वहाँ जाना और सबके साथ रहना और सोशल गैदरिंग में जो एक्सेप्टेड है उसको बढ़ावा देना उसको ज़्यादा प्रमोट करेगी फिर हम देखते हैं जो तीसरी और काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन आज की डेट में तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि नार्कोटाइजिंग डिसफंक्शन तो नार्कोटाइज इससे आपको लग रहा होगा नार्कोटिक्स ड्रग्स कि जब आप वो लेते हो या कोई बंदा लेता है तो क्या हो जाता है हेलुसिनेशन ठीक है काफ़ी जो वो आ, उस समय डिसीजन ले रहा होता है तो वो बहुत नार्कोटिक इफेक्ट के अंदर ले रहा होता है वो उतने क्लियर नहीं होते उतने सेम डिसीजनस नहीं होते एज़ कंपेयर टू द पर्सन हैजन टेकन एनी ऑफ दोज सबस्टैंड ठीक है और डिसफंक्शन तो प्रॉपर फंक्शन में हो कोई चीज़ तो अगर आप बैठ रहे हो तो आपको लगे कि हाँ बैठना है बैठने का मकसद क्या है क्या करना है ये सारी चीज़ें तो आप एक्शन पर बहुत ज़्यादा जोर देते हो जब भी आप प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हो और जब आपका डिसफंक्शन होगा तो आप जो होगे ना कि हाँ पेपर टाइगर बहुत अच्छे होगे पेपर टाइगर बहुत अच्छे होगी आप प्लान बड़े अच्छे अच्छे बनाओगे मगर जब उसकी एग्जीक्यूशन की बारी आएगी तो वहाँ पर आपका स्लॉप हो जाएगा तो वही चीज़ है कि आज के डेट में हम बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं सोशल मीडिया पर हमने इतना एक्टिवली अपने आप को पोज करना होता है कई बार कि हाँ येस हैश टैग दिस हैश टैग दैट आपने वो कर दिया मगर जब उसको एग्जीक्यूट करने की बारी आएगी चलो हैश टैग आवर सिटी ग्रीन सिटी मगर जब इस पर करने की बात आई ना कि आप घर से निकलेंगे बाहर जाएंगे पौधे लगाएंगे जो एग्जिस्टिंग पौधे हैं उनकी देखभाल हो अपने घर में भी लगाया ये सब करने में हम बहुत पीछे हो गए हमने अपने सोफे पर बैठे बैठे बिल्कुल एक कीबोर्ड वॉरियर की तरह एकदम तीन चार पाँच ट्वीट जितने भी हो घंटे भर में हमने डाल दिए तो हम जो है ना मतलब थ्योरेटिकल बड़े अच्छे दिख रहे हैं मगर जब उसे एग्जीक्यूट करने की बारी आ रही तो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं तो वही चीज़ है कि ये नार्कोटाइज डिसफंक्शन हो गया कि उसे मतलब एक्टिवली फंक्शन करना था जैसा हम सोच रहे थे जैसा हम लिख रहे थे वो हमारे थॉट प्रोसेस जो है ना एक्टिव प्रोसेस में नहीं आ पाए तो कहीं ना कहीं हमारी कथनी और करने में फ़र्क हो गया हम बस एक पोटाटो काउच बन करके रह गया तो यही चीज़ है नार्कोटाइजिंग डिसफंक्शन और आप यहाँ तक आए हो आपको इनिशिएटिव अच्छी लगी तो डो सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कॉमेंट और आपको दूसरे भी जो एग्जाम्पल आए नज़र में मास मीडिया के वो आप ज़रूर लिखें कॉमेंट सेक्शन में जा कर के यू आर मोस्ट वेलकम देयर थैंक यू फॉर गिविंग और टाइम